चरखीदादरी रेलवे स्टेशन के साथ लगते गांधीनगर को मुख्य बाजार से जोड़ने के लिए अंडरपास बनाने की मांग तूल पकड़ती जा रही है। इसी सिलसिले में शनिवार को चरखीदादरी के स्थानीय विधायक राजदीप फोगाट ने स्टेशन सुपरवाइजर से मुलाकात की और इस मांग को दोबारा से उठाया। गौरतलब है कि अंडरपास बनाने की मांग काफी पुरानी है, लेकिन लगातार मांग करने के बाद भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विधायक राजदीप फोगाट ने बताया कि पिछले 4 साल से गांधीनगर वासी अंडरपास की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिले हैं। सर, स्टेशन मास्टर से तो कोई आज नहीं मिले हैं। लगभग 4 साल से गांधीनगर वाले और उस साइड के जो हमारे गांव लगते हैं सब परेशान हैं, और हम स्टेशन मास्टर से लेकर DM तक कई बार मिले, और SDM से लेकर CM तक कई बार मिले, और हर बार हमें यह आश्वासन मिला कि भाई गांधीनगर और जो उस साइड के और कॉलोनियाँ हैं या गांव हैं उनके लिए हम अंडर पास देंगे। ये सरकार ने भी हाँ की, रेलवे के DM ने भी हाँ की, और जो इनका चीफ इंजीनियर है उन्होंने भी हाँ की, लेकिन हर बार कोई ना कोई और बहाना बना देते कि ड्राइंग आ गई, अब ड्राइंग भेज दी है और ये कर दिया है। 4 साल से हम बड़े भारी परेशान हैं सर। हमसे जितने आंदोलन हो सकते थे शांतिपूर्वक वो हमने किए, लेकिन 4 साल से हमें यूँ मान के रखा है कि भाई गांधीनगर और इस साइड की जो कॉलोनियाँ हैं वो पाकिस्तान है और बाकी एरिया हिंदुस्तान है। इस हिसाब से हमारे साथ बर्ताव हो रहा है, और जो रोड़ी अभी भी आप देखोगे तो रोड़ी अभी भी डल रही है, और सारी डस्ट कोई उसको खा रहा है तो गांधीनगर वाले खा रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए हमने ये सोच के कि कहीं ना कहीं रेलवे हमारी मदद करेगा तो ये भी अपना काम कर लेंगे। लेकिन आज इस हिसाब से स्टेशन मास्टर ने उस दिन यस किया था कि हम अंडर पास देंगे, हमारी ऊपर बात हो चुकी है, और अब भी वो गोलमोल करके ये फैसला कर गए कि भी मेरे बस की बात नहीं है, ऊपर हम बात करेंगे जब आपसे जवाब देंगे। तो अब हम एक दिन गांधीनगर वाले अगले 5-4 दिन में जो भी फैसला होगा गांधीनगर के या आसपास के आदमियों को बुलाएंगे, एक मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में जो भी फाइनल होगा तो आप मान के चलना कि आखिरी लड़ाई है, या तो अंडर पास ही बनेगा या फिर गांधीनगर वाले रहेंगे नहीं। अब क्या परिणाम आता है तो मिल बैठ के हम बात करें। सर, इस बारे में कभी आपने जो इनके डिवीज़न हेड हैं जैसे यहाँ पर बीकानेर लगता है तो वहाँ पर आपने बात? मैं पर्सनली बीकानेर गया, DM साहब से मिला, इनके जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे मिला, दोनों ने यस की, और फिर हमने मैंने अपनी तरफ से विधानसभा में ये बात रखी और ये कहा कि भी एक हमने डेट रखी, अब डेट मेरे को याद नहीं है, कि इस डेट तक अगर आप हमारा अंडरपास पास नहीं करते हैं तो हम ट्रेन नहीं चलने देंगे। उस बिना पे, उस बात पे CM साहब और यहाँ के जो मंत्री हैं स्थानीय धनखड़ साहब जाके रेल मंत्री से मिले, और उन्होंने ये कहा, बयान आया जिस दिन हमने ट्रेन रोकनी थी उससे 2 दिन पहले, कि भी गांधीनगर के लिए और इस कॉलोनी के जो आसपास के हैं उनके लिए हमने अंडरपास पास कर दिया है, और हमारे धनखड़ साहब यहाँ आके मिठाई बांट के गए, माड़ाएँ डलवा के गए, गांधीनगर वालों ने उनका स्वागत किया और बड़े खुश हुए, मैं भी खुश होने वालों में से हूँ, प्रत्येक आदमी ने उनका धन्यवाद किया, मैंने भी धनखड़ साहब का धन्यवाद किया, CM का भी धन्यवाद किया, लेकिन वही डाक के 3 पार, 1.5 साल हो गया, जहाँ बात पहले थी वहीं की वहीं। क्या कारण लग रहा है आपको कि बार बार जो प्लान चेंज हो जाते हैं? मैं इस बारे में तो कह नहीं सकता, या तो मैं ये मानता हूँ कि वो गांधीनगर वालों को ये मान रहे हैं कि ये तो कमज़ोर आदमी है, ये कोई लड़ाई अपनी लड़ नहीं सकते, लेकिन अब की बार ये दिखा देंगे गांधीनगर वाले कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, अपना हक लेना था। चरखीदादरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाया जाना है, जिसकी वजह से स्टेशन के पास बने रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया था, और गांधीनगर व आसपास की दूसरी कॉलोनियों के निवासियों को बाजार आने के लिए काफी घूम कर आना पड़ रहा है या फिर अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइनों को पार करना पड़ता है। ज्यादातर वक्त मालगाड़ी के खड़े होने की वजह से उसके नीचे से निकलना पड़ता है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन बहुत सारे लोग समय बचाने के लिए लंबा रास्ता छोड़कर रेल की लाइनों को पार करके बाजार में पहुंचते हैं। जब गांधीनगर निवासियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि समय बचाने के लिए वे रेल लाइनों को पार करके मुख्य बाजार पहुंचते हैं। उन्होंने काफी बार प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस जगह अंडरपास या ओवरब्रिज बनाकर लोगों की परेशानियों का हल निकालें। कहाँ रहते हैं आप लोग? गांधीनगर में रहते हैं। तो क्या कारण था कि आपने रेल को नीचे से क्रॉस करके इधर आना पड़ा? क्योंकि जो दूसरा रास्ता वो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाता है मार्केट आने के लिए, और यहां से शॉर्टकट रहता है। तो ये काफ़ी रिस्की था, आपको नहीं लगता? रिस्की तो था, बट तो अपनी जान को जोखिम में डाल करके रेल के नीचे से निकल के आना कितना सही है? अब ये है कि काफ़ी टाइम से हो रहा है तो थोड़ा आदत भी हो गई इस चीज़ की, बट अगर यहाँ से ब्रिज हो जाए, अंडर पास हो जाए तो लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किस बारे में आप लोगों ने कोई भी कोई शिकायत स्टेशन मास्टर को दी है? बहुत बहुत ही रखी हुई है।
तो उस बारे में कोई काम हो रहा है कुछ आपको आइडिया? कुछ नहीं हो रहा, नहीं काम तो कुछ नहीं हो रहा, बोले तो है भाई बनेगा, पता नहीं कब बनेगा। रिस्क था पर क्या करें, घूम के आना हमारे बस करने। तो क्या चाहते हैं यहाँ पर सरकार आपके लिए क्या बनाने? पुल बन जाता है ऊपर कर चाहिए। जब इस समस्या के बारे में स्टेशन सुपरवाइजर सत्यवान लांबा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा हुआ है, जैसे ही कोई आधिकारिक जवाब आ जाएगा तो अंडरपास बनाने का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। आज सिटिंग एमएलए जो है राजदीप सिंह फोगाट जो है आरयूबी अंडरपास गांधीनगर से शहर की ओर जाने के लिए जो ना इसके विषय में बात करने के लिए आए थे। इससे पहले आरयूएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा अंडरपास और आरओबी के दोनों नक्शे जो है रेलवे बोर्ड को भिजवाए गए हैं। जो नक्शा पास होएगा वो रेलवे बोर्ड के तहत जो है इंस्ट्रक्शन पे बनाएंगे। आरयूबी पास होता है रेलवे वो बनाएगी, आरओबी पास होता है तो वो बनाएगी। आपके मुताबिक सर कितना टाइम और लगेगा इस अंडरपास को बनने? अंडरपास को बनने के लिए का तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितना टाइम और लगेगा। आरवीएनएल का जो कार्य है वो झाड़ली तक लगभग हमारा कंप्लीट हो जाए। झाड़ली तक सीआरएस होने के बाद में आरवीएनएल जो एलएनटी ग्रुप जो भी है काम कर रही है हमारा इसका, वो आपके दादरी का काम करेगी और दादरी का काम जब काम करेगी तो उसमें अंडरपास ये पास से आपकी ड्राइंग भिजवाई ही पास होती है तो अंडरपास भी बनाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि रेलवे को कब तक लोगों की समस्या समझ में आ जाएगी और जनहित को देखते हुए अंडरपास या ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू करवाएंगे।